बस ये कवर लेटर ही तो लिखना है, लिख लूंगी। वैसे इंटरनेट पर ऐसे लेटर बहुत पड़े हैं मैंने। लेकिन पहली बार लिख रही हूं। सॉरी, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ। हाँ, हो गया। मुझे बैठ इधर। थैंक यू। सॉरी, छू लिया सब क्या? इस सबवे पर हर रोज तुम्हारे जैसा कोई ना कोई मिल जाता है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे बात कर रही हो क्या? मुझे जानती हो? हाँ, काफी अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे जैसे लड़कियों को छेड़ने वाले बहुत देखे हैं मैंने। हैं, क्या हुआ? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या कहा, मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ? जरा देखो मुझे, मैं ऐसा लगता हूँ? देख ही रही हूँ। तुम्हें मैं लड़कियों को छेड़ने वाला लगता? हाँ, लगते तो हो। मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। कुछ शरीफ कहते हो, शर्म नहीं आती? शरीफ लड़के ऐसे लड़कियों को पीछे से नहीं छूते हैं। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों छूने लगा? तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा करने से क्या मिलता है? मैंने तुम्हें नहीं छुआ है, आई स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया है। ओ मैडम, ऐसे किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले जरा अच्छे से देख लिया करो। तुम्हें क्या लगा ऐसे सूट बूट पहनने से तुम शरीफ दिखोगे? सारे मर्द एक जैसे होते, तेरा पाला मुझसे पड़ा है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है लड़की। देखो ए सुन बच्चू, सेक्सुअल वायलेंस दफा 13 के तहत पब्लिक हरासमेंट का केस ठोक दूंगी तुझ पर, फिर 1 साल जेल की चक्की पीसते रहना और $3 million पेनाल्टी। वो क्लॉज 13 नहीं, क्लॉज 11 है। कम से कम लॉ की तो इज्जत करो। देखो गुनाह मान लिया ना, पहले लड़कियों की इज्जत। एक्सक्यूज मी, तुम नहीं जानती कि तुम किस से पंगा ले रही हो। अच्छा, कौन हो तुम और लड़कियों को पीछे से टच करने का हक? देखो मैंने तुम्हें कहीं भी टच नहीं किया। कोई ऐसे छुएगा तो और तुम्हारे सामने अपनी मैंने अपनी पैंट नहीं उतारी। जैसे लड़के गर्लफ्रेंड होते हुए दूसरे लड़कियों को होटल में ले जाते हैं। क्यों किसी को होटल में ले जाऊंगा? क्यों करते हो ऐसा? सब कुछ तो तुम ही कर रही हो, मैंने क्या किया? भाई साहब, आप प्लीज इनकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर देंगे? आपने देखा ना क्या हुआ? लड़की छेड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ए हटो, किसी और को उल्लू बना। अरे फोन किसको कर रहा है? ए हाथ मत लगाना, चल। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, कहां कहां सच में कुछ नहीं किया है। अरे यार, ऐसा करते हैं क्या? यहाँ तो मुझे भी उतरना है। दरवाजा बंद हो रहा है, कृपया दरवाजे से दूर रहिए। उस सबवे के लफंगे की वजह से मैं यहाँ आने की असली वजह तो भूल ही गई।
ये क्या मुझे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया है? क्या है? जरूर कोई प्रैंक कर रहा होगा, पर यहां तक आई हो तो अंदर जाकर आती हूं। सॉरी लेट हो गया, काफी ट्रैफिक हो गया था। क्यों? हाँ क्या कहूँ, आज का दिन ही खराब था। लाइन सिक्स वाला सर्वे कभी मत लीजिएगा, वरना एक पागल लड़की से पाला पड़ जाएगा आपका। पागल लड़की? हाँ कुछ भी बके जा रही थी, कह रही थी कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ, हाथ लगा रहा हूँ इधर उधर। क्या, कोई उसे छेड़ रहा था? मैं और कौन? उसने पी रखी होगी, तुम कोई ऐसा करने वाले थोड़े ही हो। उसने मुझ पर सबके सामने इल्जाम लगाया, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई पता है आपको? ये सब हुआ कैसे? पता नहीं क्या बकवास कर रही थी, कह रही थी कि मुझ जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती है वो। ऐसा कहा क्या? हाँ, पर मुझ जैसे मतलब क्या? पता नहीं, शांत हो जाओ, चलो इसको पियो। तो बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? उसमें बताने की क्या बात है? मैंने तुम्हें रंगे हाथ एक लड़की के साथ पकड़ा था, उसका एक्सप्लेनेशन दो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो सच बता दो। देखो वो सब भूल जाओ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैंने गलती कर दी, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदली। ओके तुम उस पर फोकस करो ना। कितने बार? हाँ इससे पहले तुमने कितनी लड़कियों को पटाया है? अगर मैं कह भी देता हूँ कि मैं पहली बार आया था तब भी तुम्हें हर्ट होगा राइट, तो ये सवाल मत पूछो ना। सच तो ये है कि मेरा दिल ऑलरेडी जानता था कि तुम्हें कुछ तो गड़बड़ है।